हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सोशल लाइफ। आप सभी का स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है सोनार बंगला और यह है एपिसोड 8। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं बंगा बंधु सैटेलाइट 1 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की पहली सैटेलाइट बंगा बंधु सैटेलाइट 1 अप्रैल में लॉन्च होने वाली है। ये सैटेलाइट का नाम बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन श्री मुजीबुर रहमान के नाम से रखा गया है। दोस्तों, ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी जिस तरह अर्थ रिवॉल्व होता है उसी की सेम स्पीड और डायरेक्शन में ये सैटेलाइट रिवॉल्व होगी। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी सैटेलाइट बहुत सालों से बनाना चाह रहा था और 2008 में बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन ने एक कमेटी फॉर्म की इस प्रोजेक्ट के लिए और 2010 में उस कमेटी को रिफॉर्म किया गया। दोस्तों, ये कमेटी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, नोटिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन रिक्वेस्ट ऐसे कार्य करती है और 2012 में इस कमेटी ने अप्रोच किया ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट को। दोस्तों, ITU का अप्रूवल होना जरूरी है किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, क्योंकि दोस्तों सैटेलाइट का ऑर्बिटल पोजीशन अलॉटमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और बांग्लादेश को प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश ने USA बेस्ड स्पेस पार्टनरशिप इंटरनेशनल को अप्रोच किया कंसल्टेंसी के लिए और मार्च 2012 में बांग्लादेश और स्पेस पार्टनरशिप इंटरनेशनल दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। और 2015 में बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी थेल्स अलेनिया स्पेस को ये प्रोजेक्ट सौंपा। इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब $250 मिलियन है, जिसमें से HSBC बैंक $150 मिलियन का लोन बांग्लादेश को दे रही है। दोस्तों, ये सैटेलाइट 2017 में बांग्लादेश के विक्ट्री डे पर लॉन्च होने वाली थी, क्योंकि ये सैटेलाइट को लॉन्च SpaceX कर रहा है जो USA की फर्म है और 2017 सितंबर में USA में फ्लड्स आए थे, इसी कारण इस प्रोजेक्ट को डिले करना पड़ा। दोस्तों, अब ये सैटेलाइट अप्रैल 2018 में लॉन्च होगी। दोस्तों, जैसे ही SpaceX डेट्स दे देगा इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, फ्रांस की कंपनी इसे फ्लोरिडा मूव कर देगी और ये सैटेलाइट केप कैनवरल साइट से लॉन्च होगा और इसमें फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा लॉन्च करने के लिए। और लॉन्च करने के बाद इस सैटेलाइट को 8 दिन लगेंगे ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। अगर दोस्तों ये सैटेलाइट अप्रैल में लॉन्च होता है तो जुलाई तक इसके कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, इसमें 40 ट्रांसपोंडर्स यानी ट्रांस रिसीवर्स है, इसमें से 16 सी बैंड के हैं जो 4 to 8 GHz की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। इसके अलावा 24 KU बैंड के हैं जो 18 से 24 GHz की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। दोस्तों, इसका वेट 3600 kgs है और इसको चलाने में 6 kW का पावर इस्तेमाल होता है और इसकी ऑर्बिटल पोजिशन 119.1 degrees ईस्ट बताई गई है। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी कम्युनिकेशन सर्विसेज के सभी जरूरतें पूरे करने के लिए फॉरेन सैटेलाइट्स की हेल्प लेता था। प्राइवेट चैनल्स के लिए यूज किया जाता था APSAR 7 और पब्लिक चैनल के लिए यूज किया जाता था ASIA SAT 7 और ये खर्चा $14 मिलियन का था। इसके अलावा दोस्तों, ये खर्चा और बढ़ भी सकता था, लेकिन इंडिया ने साउथ एशियन सैटेलाइट में बांग्लादेश को अपना एक ट्रांसपोर्टर फ्री में यूज करने के लिए दिया, इसी कारण अभी ये $14 मिलियन है। दोस्तों, अब ये सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद बांग्लादेश को ये खर्चा नहीं देना पड़ेगा और बांग्लादेश अपने दूसरे कामों में इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस सैटेलाइट से बांग्लादेश में जॉब क्रिएशन भी हो गए, क्योंकि इस सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए बांग्लादेश में 2 सबस्टेशन भी लगेंगे। पहला स्टेशन होगा गाजीपुर स्टेशन और ये स्टेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेशन है रंगामती। दोस्तों, इस पे अभी काम चल रहा है और कुछ हफ्तों में ये काम भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, द्वितीय सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये सैटेलाइट का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, एक्सपेंडिचर कम करने के अलावा बांग्लादेश अपनी सैटेलाइट सर्विसेज दूसरे कंट्रीज को भी दे सकता है और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकता है। बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन ने एक नई कंपनी फॉर्म की जो है बांग्लादेश कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी सैटेलाइट के कमर्शियल बिजनेस को संभालने के लिए बनाई गई है और इसमें से 30 लोगों को फ्लोरिडा भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों, स्पेस में बांग्लादेश को अपनी सैटेलाइट के लिए जो ऑर्बिटल पोजीशन मिला है उसको बांग्लादेश से ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसी कारण बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 2 इंटरनेशनल स्टेशन बनाए हैं, एक है इंडोनेशिया में और एक है फिलीपींस में। यहां से इस सैटेलाइट को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। हम आशा करते हैं दोस्तों, ये सैटेलाइट जल्द से जल्द ऑपरेशन में आ जाए और इससे बांग्लादेश को बहुत फायदा हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसकी सारी अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाले एपिसोड्स के लिए टॉपिक हमें नीचे कमेंट में सजेस्ट कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।